तो गाइज इंडियन बाइक ड्राइविंग के अंदर आज अपने न्यू हाउस को एक्सचेंज करने वाले हैं अपने ओल्ड वाले हाउस से। लेकिन भाई फ्रैंकलिन ने आखिर ऐसा किया क्यों और ये करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। तो यार आज तो ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो चुकी है, अब फटाफट चलते हैं यार, आज तो मैं रूपाली को प्रपोज करके रहूंगा। हे फ्रैंकलिन। कौन है ये? सुनो इधर। हाँ भाई बोलो, क्या बात हो गई? अरे यार इधर तो आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारा नाम फ्रैंकलिन है ना? हाँ कहते तो है लोग, बताओ क्या काम है यार? अरे वो कुछ नहीं, ये जो मेरा पुराना वाला हाउस है ना, मैं चाहता हूँ कि यार तुम इसे एक्सचेंज कर दो, बदले में मैं तुम्हें काफी सारे पैसे भी दूंगा। मुझे तुम्हारा घर बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है, व्हाइट कलर का। क्या तुम ये वाला घर अपने घर से एक्सचेंज करना चाहोगे? अब ये घर दिखने में पुराना जरूर है, लेकिन सारी न्यू फैसिलिटीज के अंदर तुम्हें मिल जाएगी यार, पूरा अपग्रेड घर है। अरे यार वो सब तो ठीक है एंड ऑफर के लिए भी शुक्रिया, बट मुझे ये घर नहीं चाहिए। अरे यार अब फटाफट चलता हूँ, मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ। रूपाली यार कॉलेज से आती ही होगी, मुझे आज उसे प्रपोज करना है कैसे भी करके। अरे हाँ भाई यही वाला रास्ता है, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, बस आती ही होगी यार वो। ऑलराइट गाइस रूपाली आ चुकी है। भाई दिल थोड़ा सा घबरा रहा है, लेकिन कैसे भी करके आज तो मैं प्रपोज करके ही रहूंगा। यार धड़कने तेज होती जा रही है। हाय रूपाली, क्या तुमने बिस्कुट खाए? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मुझसे शादी करोगी? हाँ फ्रैंकलिन। क्या? लेकिन एक शर्त, तुमने भी हाँ की? मुझे तुम्हारा घर नहीं पसंद, क्योंकि उसमें कुछ भी फैसिलिटीज नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपना घर अपग्रेड करवाओ। बट मेरी बात, अरे यार भाई इसने तो रिजेक्ट कर दिया, मतलब रिजेक्ट नहीं किया, मुझे बोला कि अपना घर अपग्रेड करवाओ। वैसे यार उसका कहना सही है यार, मेरे घर में कोई फैसिलिटीज नहीं है, ना बाथरूम है ना किचन है। यार चलता हूँ उस बंदे के पास, लगता है गाइस इसी से मुझे बात करनी पड़ेगी अपने घर को एक्सचेंज करने के लिए। लेकिन यार, हेलो भाई, मैं घर एक्सचेंज करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पे। मेरा जो न्यू हाउस है ना, तुम्हारे ओल्ड हाउस के बिल्कुल पास में रहेगा, तो मुझे उस पास वाली जमीन के पैसे चाहिए जो कि मुझे तुम देने वाले हो। क्या तुम्हें मंजूर है? अगर मंजूर है तो मैं आगे का काम करूँ। अरे ठीक है फ्रैंकलिन, ये लो पैसे और जाकर अपना काम करो फटाफट से। बाप रे गाइस, मुझे 5 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई इतना बड़ा घर मैं सरकाऊंगा कैसे, क्योंकि ये वाला जो हाउस है मुझे बिल्कुल पास वाले। एक सेकेंड यार, एयरपोर्ट का प्लेन कब काम आने वाला है? एक काम करता हूँ, किसी को बिना बताए प्लेन को चुपचाप हाईजेक करता हूँ और भाई अपने घर को मैं प्लेन से बांध कर सीधा सरका दूंगा पास वाली जमीन पर, और उस जमीन के कागज में बाद में बनवा लूंगा पैसे देकर। तो ये रहा वो जायंट प्लान, तो जल्दी से इस प्लेन को हाईजेक करके काम खत्म करते हैं। ऑलराइट गाइस, प्लेन के अंदर फ्रैंकलिन बैठ चुका है और घर को रस्सी से बांध दिया है। चलो भाई अब घर को खींचते हैं जोर लगा के। हाई सो भाई, प्लेन का धुआं निकल गया काला काला। भाई यार कितना ज्यादा हेवी घर है, मेरा घर तो भाई उस घर से भी काफी ज्यादा भारी है। लेकिन फाइनली गाइज ये वाला काम कंप्लीट हो चुका है, लेट्स गो। चलो गाइज अपना घर तो सरका दिया है, अब अपने जो घर की जमीन थी उस जमीन पे भाई मैं इस घर को लोड करवाने वाला हूँ, क्योंकि गाइज मेरे नए वाले घर के अंदर है ना जिम वगैरह भी रहती है, तो मेरे घर दोनों पास में हो जाएंगे और इस बंदे से भाई मैं सब्सक्रिप्शन ले लूंगा या फिर ये फ्री में भी जिम करवा देगा मुझे। भाई मुझे ये बताओ कि ये वाला घर मैं वहाँ पर कैसे शिफ्ट करूँ? ओके फ्रैंकलिन, देखो मुझे पता है ये जो घर है ना बहुत ही ज्यादा भारी है, लेकिन मैं एक तरीका बताता हूँ जिसकी मदद से इस घर को हवा में उड़ा के तुम लेके जा पाओगे। तो कंस्ट्रक्शन एरिया में एक बहुत ही भारी सिक्योरिटी के साथ में एक हेलीकॉप्टर पड़ा हुआ है, जिसके अंदर पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन है। इससे तुम कई टन वजनी चीजों को भी आराम से हवा में उड़ा सकते हो। लेकिन फ्रैंकलिन ध्यान से, वहाँ बहुत ही ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है, ध्यान रखना। ऑलराइट गाइस, अभी हम आ चुके हैं कंस्ट्रक्शन एरिया में, इसके अंदर चलते हैं फटाफट। भाई यहाँ पे काफी सारे बंदे खड़े हैं, चाकू मैंने निकाल लिया, पहले इसको टपकाते हैं। भाई आराम से, ये ले बेटा। ऑलराइट गाइस, एक तो मर गया। अरे बाप रे, मेरे पीछे भी काफी सारे बंदे खड़े हैं, इनको पता नहीं चला अभी तक क्या कर रहा है फ्रैंकलिन, पागल है क्या? पीछे से घूम के आता हूँ। ओके गाइस अब इसको मारते हैं सबसे पहले, ले बेटा कमर में। ओके अब इसकी बारी। अरे इनको पता चल गया, अरे बाप रे फ्रैंकलिन भाग पहले। अरे यार भाई गोलियों से भून दिया पूरा, भाग 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 जल्दी 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 जल्दी। अरे यार यहाँ पर भी बंदे खड़े होंगे वो रे। अरे मैं क्या करूँ भाई, कहाँ पर जाऊँ समझ नहीं आ रहा मुझे यार, एक को तो मारना ही पड़ेगा। जल्दी कर फ्रैंकलिन, मार इसको। अरे नहीं भाई मार जल्दी। अरे भाई गन उठा जल्दी, गन उठा यार। इसको मार, व्हाइट वाले को मार, जल्दी कर मार। अब इसको भी मार जल्दी कर यार, भाई फेल देंगे वरना। चलो भाई दो को टपका दिया मैंने, तीसरा यहाँ पर खड़ा है, ले बेटा चल निकल। अरे क्या कर रहा है, पागल है क्या? अभी वहां पर कुछ बंदे और होंगे, जल्दी चलते हैं वहां पर। भाई आराम से, और देखो भाई यहाँ पर भाई कब्जा करके बैठे हैं। ले तेरी ऐसी की तैसी भाई, दोनों मार दिए मैंने, लेट्स गो। ओके गाइस यहाँ पर दो बंदे और हैं, एक तो गया, इसको एक काम करते चाकू से मारता हूँ, जल्दी कर फ्रैंकलिन। अरे तेरी ये ले भाई साहब, कोने में डाल के मारा इसको। ऑलराइट चलो भाई फटाफट से हेलीकॉप्टर लेके निकलते यार, वरना भाई और सिक्योरिटी यहाँ पे आ गई तो वाट लग जाएगी। वाकई में गाइस इसका जो इंजन है ना काफी ज्यादा पावरफुल है भाई, बहुत मुश्किल से कंट्रोल हो रहा है।
चलो फाइनली यार इस बंदे के हाउस के पास पहुंच चुका हूँ, जल्दी से इसके हाउस को उठाते हैं अब। लेट्स गो फ्रैंकलिन, दम लगा भाई। भाई हेलीकॉप्टर की जान निकल रही है, उड़ जाएगा थोड़ी सी देर और। ओ फाइनली भाई साहब, थोड़ा सा और ऊपर भाई, बिल्डिंग के अड़ना नहीं चाहिए। लेट्स गो, इसको लेके चलते हैं अपने न्यू वाले हाउस के पास में। भाई थोड़ा सा कंट्रोल करना इसको मुश्किल हो रहा है यार, भाई बहुत ज्यादा हेवी है ना सामान उठाने के लिए। भाई घर उठा लिया इससे मैंने। ओके बस पहुंच गए थोड़ी सी देर में, धीरे धीरे भाई आराम से। अब यहाँ पे मुझे घर को रोटेट भी करना होगा, धीरे धीरे हेलीकॉप्टर को रोटेट करता हूँ मैं। भाई घर न गिर ना जाए भाई, आराम से भाई थोड़ा सा वहाँ पे रगड़ खा गया उस वाली जगह पे, लेकिन फाइनली मैंने घर को लैंड करवा दिया है। ओ भाई साहब ये देखो कितना ज्यादा कूल लग रहा है यहाँ पे। फाइनली यार 2 घंटे लगे सब चीजों को यहाँ से हटाने पे। ये रहा अपना न्यू वाला हाउस जो कि इस बंदे ने ले लिया है, इसमें जिम वगैरह है। और गाइज ये रहा अपना ओल्ड वाला हाउस, मतलब इस बंदे का हाउस अपन ने ले लिया है। और यहाँ पर रूपाली भी काफी ज्यादा खुश है, बिकॉज इस घर के अंदर सारी फैसिलिटी है, किचन बाथरूम वगैरह। सो बस गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।